हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल वीडियो बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। आपकी जितनी भी कपड़े की चौड़ाई हो, मतलब जितना भी आपका चेस्ट का पार्ट हो, इस पे आप 2.5 इंच प्लस करके आप यहाँ पे ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने कपड़े को यहाँ पे 11.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जितना भी आपका मेज़रमेंट हो, आप उस हिसाब से अपने कपड़े को ले सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कितनी चौड़ाई ली है, तो जो ये मेरा चौक का निशान है, वहाँ तक मेरे कपड़े का चौड़ाई है, मतलब ये वहाँ तक ये कपड़ा डबल फोल्ड है। तो यहाँ पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने जो इसकी लंबाई है वो यहाँ पे 16 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेडी लंबाई इसकी 15 इंच चाहिए। तो 1/2 इंच मैं सिलाई के लिए और 1/2 इंच ऊपर जो हमारा शोल्डर के पास जाएगा उसके लिए। और यहाँ पे मैं शोल्डर पे निशान 6 इंच पे लगा रही हूँ। आपका जितना भी शोल्डर हो, 5 इंच या फिर 6.5 इंच, आप उतना ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, आर्म होल मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने 7 इंच ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे आपको अपना चेस्ट मार्क कर लेना है। तो जितना भी आपको चेस्ट हो, आप उतना ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे चेस्ट है 36 इंच, तो मैं उसका 4th पार्ट लूँगी। तो यहाँ पे 4th पार्ट मैंने ले लिया, इसका मैं 1/2 इंच प्लस कर दूँगी। ये मैंने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का ऐड किया है, तो ये हमारा टोटल हमारा 11.5 इंच है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसका निशान लगा दिया। ये सारे मेजरमेंट को सही से ले लीजिए। और आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको मार्जिन का 2 इंच जरूर छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी कमर का निशान लगाया, जो मेरी 32 इंच है। तो 32 इंच का मैंने 4th पार्ट 8 लिया। इसके बाद मैंने जो यहाँ पे जितना भी मार्जिन छोड़ा है, उतना आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर नीचे की साइड बेल्ट भी प्लेट पड़ती है, जो थोड़ा चौड़ी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की स्लीप लगा दी। इस तरह से देखिए, मेरी सारी मार्किंग हो गई। अब मैं यहाँ पे अपने कपड़े को कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अपने कपड़े को आपको कट करना है। यहाँ पे देखिए, बैक पार्ट पे जो प्लेट पड़ती है, मैं उसका भी निशान लगा दे रही हूँ। तो 4 इंच मैंने यहाँ पे चौड़ाई ली और 5 इंच इसकी लंबाई ली है। तो यहाँ पे देखिए, 4 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई पर इसका निशान लगा दिया। ये प्लेट हमारी पड़ेगी 1.5 इंच पे। तो यहाँ पे देखिए, 1/4 इंच हमने इस साइड, 1/4 इंच उस साइड लिया है। अब इस तरह हम हमारी मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसी तरह कपड़े को कुछ भी नहीं किया, और इसी तरह आपको अपने कपड़े को रख देना है। और यहाँ पे देखिए, हम अपने कपड़े को ऐसे रख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हमने 1/2 इंच प्लस ले लिया है, क्योंकि ये हमारा आई हुक पट्टी के लिए है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा पैटर्न है, हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसका निशान लगा दिया। यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये नीचे की तरफ मैंने कपड़ा छोड़ा है, ये 1 इंच है, क्योंकि हम जब आगे की पार्ट की कटिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर देखिए, मैं साइड पर भी निशान लगा दे रही हूँ। आपको हमेशा ध्यान देना है कि हमें 1 इंच हमेशा अपना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है, जब हमारा आगे का पार्ट हम कट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपने बैक आर फ्रंट आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल को हमेशा 1/2 इंच नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 1/2 इंच हम नीचे से लेके यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि हम हमेशा फ्रंट आर्म होल को हमेशा 1/2 इंच नीचे से कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस पर निशान लगा के अब हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। यहाँ देखिए, मेरा फ्रंट और बैक का पार्ट कट हो गया है। अब यहाँ पे आपको इसकी प्लेट्स डालनी है।
तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अब हम अपने नेक को ड्रॉ करेंगे। तो नेक हमारा 3 इंच है, इसकी चौड़ाई और लंबाई हमारी यहाँ पे मैं इसको ले रही हूँ 6.5 इंच, आपके जितनी भी हो आप उतनी ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक गोल गला बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने देखिए गोल गले की सेप लगा ली। आपको जो भी नेक पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन किया है, जिससे आपका जो आपका कंधा उतरता है वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अब यहाँ से देखिए, ऊपर से आपको 9 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। ये हमारी पहली प्लेट का मार्क है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मेरी पहली प्लेट 9 इंच पे पड़ेगी। अब इसके बाद यहाँ से हम देखिए 4 इंच लेंगे और यहाँ पे हम इसकी दूसरी प्लेट को डालेंगे। तो यहाँ देखिए 4 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। इसके बाद हम इस मार्क को सीधा कर देंगे और जो इसकी जो प्लेट होती है, प्लेट की लंबाई होगी तो वो यहाँ पे 6 इंच है। मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ क्योंकि 1 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो नीचे की तरफ वो फोल्ड हो जाएगा। और जो इसकी प्लेट है वो हम यहाँ पे 2 इंच की लेंगे। अगर आप यहाँ पे पतली प्लेट लेंगे, तो अगर आपका ब्रेस्ट का साइज कम हो तो यहाँ पे आप पतली प्लेट ले सकते हैं। यहाँ मेरे ब्रेस्ट का साइज कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चौड़ी प्लेट ले रही हूँ 2 इंच की। अब यहाँ पे देखिए, 2.5 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे देखिए तिरछा आपको निशान लगाना है 2.5 इंच पे। और नीचे की तरफ से यहाँ पे आपको देखिए 3 इंच लेना है, 3 इंच पे निशान लगा देना है। और इस तरह हम अपनी इस प्लेट को मिला देंगे। तो ये हमारी तीसरी प्लेट लग गई और चौथी प्लेट तो हमारे बॉक्स के बीचों बीच आती है। तो इस तरह हमारी सारी प्लेट्स पे निशान लग गए हैं। ये देखिए, इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2 इंच ली है और ये सबसे चौड़ी प्लेट होती है और ये बाकी जितनी प्लेट होती है वो सब 1/2 इंच के रेशियो पे रहती है। तो ये सारी हमारी 1/2 इंच है। तो देखिए, इस तरह से हमारी प्लेट भी लग चुकी, प्लेट के निशान लग गए। इसी तरह आपको दूसरे साइड भी अपने प्लेट पर निशान लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक लिया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हम अपने इन पार्ट्स को रख के इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले फ्रंट के पार्ट को कट कर ले रही हूँ। इसी तरह आपको सारे मार्क को, सारे पीसेस को कट कर लेना है ऐसे इसमें रखते हुए। बैक पार्ट को भी आप ऐसे ही कट करेंगे और फ्रंट के पार्ट को भी आप ऐसे ही कट करेंगे। पर देखिए, मैंने सारे पार्ट्स को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने पार्ट को पहले अस्तर वाले पार्ट को रखा, इसके ऊपर हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को रखेंगे। मेन फैब्रिक को हम यहाँ पे उल्टा रख रहे हैं। ये देखिए, इस तरह हमने यहाँ पे इसको उल्टा रखा, मतलब सीधी साइड हमारे अस्तर वाले साइड पे है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको किसी भी बिना पट्टी के हेल्प के मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगाना बता रही हूँ कि नीचे की फैब्रिक को आप कैसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इसको सही से देखिए, इस तरह हम यहाँ पे इसके नीचे सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैंने आपको जहाँ पे मैंने चौक लगाई है उसी के ऊपर आपको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह इस पर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसे पलट दूँगी तो ये हमारा सीधा पार्ट निकल आया। ये देखिए, इस तरह हमारा, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा, इस तरह हमने सिलाई लगाई और इस तरह हमने इसको पलट दिया तो ये हमारा सीधा पार्ट निकल आया। तो ये देखिए, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है और इसी तरह आपको सेम अपना बैक का पार्ट भी तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह मैंने इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा, यहाँ पर देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आपको साइड से चारों तरफ इसको सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह आपको फ्रंट पार्ट के दूसरे पार्ट को भी इसी तरह तैयार करना है। तो अब यहाँ पे हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब इसके बाद देखिए, मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर इसको रख देंगे और जो ये हमने यहाँ पे गोल गले को ड्रॉ किया था, अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे कट कर ले रही हूँ। आप यहाँ पे इसे पहले भी कट कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे इसे बाद पे कट कर रही हूँ, जिससे अगर आप यहाँ पे इसे बाद पे कट करेंगे तो आपकी जो ये फिनिशिंग आती है बहुत ही अच्छी आती है और आपका गला बिल्कुल गोल बनता है, बिल्कुल इक्वली गोल बनता है। तो अगर आपका गला गोल नहीं बन पाता तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने गोल गले को कट कर लिया। अब यहाँ पे अब हम अपने गले को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हम अपनी जो ये प्लेट्स हैं हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं प्लेट्स को कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे जो हमारी आई होप की पट्टी होती है इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। और गले पे यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ पे मैं अपनी और ये पट्टी को अटैच करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे आई होप की पट्टी लगा ली है। एक साइड आपको यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा कट करके यहाँ पे आई होप की पट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्लेट्स कितने अच्छे से लगी गई हैं और यहाँ पे जो इसका पफ आया है वो बहुत ही सुंदर बन के आया है। ये देखिए फ्रेंड दोनों साइड मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, ये हमारी आई होप की पट्टी रेडी है। अब हमें सिर्फ अपने गले को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं अपना गला को बनाऊँगी। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी और एक पट्टी को कट करना है। इस गले को बनाने के लिए आप यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे और एक पट्टी लेके इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा बचा हुआ कपड़ा था, अगर आपको और एक पट्टी नहीं बनाना आता तो मैं इस तरह आपको बता रही हूँ, इसको आपको तिरछा कपड़ा लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे तिरछा कपड़ा ले रही हूँ। तो इस तरह आपकी मतलब और एक पट्टी का मतलब होता है एक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपको यहाँ पे जो हमारा कपड़ा होना चाहिए वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए, जिससे हमारा जो पाइपिंग होती है उसमें कहीं भी झोल ना आए। तो इस तरह आप और एक पट्टी निकाल सकते हैं। और एक पट्टी की जो चौड़ाई होती है आपको 2 इंच रखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2-2 इंच की यहाँ पे और एक पट्टी को निकाल लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे कट कर लूँगी। तो इस तरह हमारी और एक पट्टी निकल आएगी। आपको जितनी भी ज़रूरत हो आप उतनी और एक पट्टी निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए मुझे इतनी ही और एक पट्टी की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ इतनी ही और एक पट्टी यहाँ से निकाल रही हूँ। तो इस तरह आप किसी भी ड्रेस के लिए और एक पट्टी को निकाल सकते हैं। आप इसे किसी भी कोई भी कपड़ा हो, आपका नेट का हो, कोई भी कपड़ा हो, और एक पट्टी को आपको हमेशा तिरछाई निकालना होता है। अब यहाँ पे इस तरह रखते हुए आपको देखिए हमें उल्टा रखना होता है इसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह रखते हुए आपको इसे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको अपने ब्लाउज़ पे अटैच करूँगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरह आपको अपनी और एक पट्टी को यहाँ पे डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर थोड़ा सा हमको 1 इंच का कपड़ा बाहर की तरफ निकालना है और उसके बाद इसमें अटैच करेंगे हम। जो ये हमारा 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको ब्लाउज के जो कपड़ा है हमारा उस पर थोड़ा सा 4 या 5 सेंटीमीटर की दूरी तक, मतलब 1/2 इंच आपको छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है, जैसे आपको दिख रहा है सेम उसी तरह से, जिससे हमारा ब्लाउज का कपड़ा भी बिल्कुल बराबर में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिल लिया। इसके बाद और यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है, अगर आपको इसके अंदर इसको फोल्ड करना है, मतलब दिखना नहीं है आपका ये कपड़ा, पाइपिंग नहीं लगानी है आपको, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये मतलब अस्तर वाला कपड़ा लेना है। लेकिन अगर आपको अगर पाइपिंग लगानी होती तो आप यहाँ पे मेन फैब्रिक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से ज्वाइन कर लिया इस पर। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको बिल्कुल अंदर की तरफ पलट रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अस्तर वाला कपड़ा लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसमें कट लगा लिया है, जिससे हमारी यहाँ पे झोल ना आए किसी भी तरह का। तो इस तरह आपका गोल गला हमेशा परफेक्ट बनेगा, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अब देखिए मैं इसे पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह आपको पूरे को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली। इसके बाद मैं इसके ऊपर भी इसको सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे आपको कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि बाद में आपको इस सिलाई को खोलना होगा और इसके ऊपर आपको तुर्पन करनी होगी। आप इसके ऊपर लेस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी भी लेस का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको बना लिया, यहाँ पर इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको इसके अंदर पर तुर्पन करनी होगी
और यहाँ पे यहाँ जो कच्ची सिलाई है इसको आप खोल देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अगर आपको इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो तो आप इसे, मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे गोल गला भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आगे का गला बनाना बताया है सेम आपको पीछे की आप ही गला बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं शोल्डर को ज्वाइन कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे मैं साइड की फ़िटिंग लगाऊँगी। तो साइड की फ़िटिंग लगाने के लिए पहले मैं यहाँ पे गुम सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक जो हमारा आगे का पार्ट होगा फ्रंट साइड पे, पहले हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच के मार्जिन से। तो ये हमारी गुम सिलाई होती है। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन हो तो आपको ये गुम सिलाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें फ़िटिंग का सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे इंटरलॉक की मशीन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसे ऐसे लगा रही हूँ। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैंने मतलब आगे साइड पे आपको ऐसे सिलाई लगानी है हाफ इंच के मार्जिन पे। इसके बाद आपको इसे पलट देना है और हम अब उल्टे साइड पे जो हमारा फिटिंग का निशान है हम उसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ये मेरा फिटिंग का पार्ट है इसके ऊपर जो मैंने निशान लगाया था उसी के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइड से हमारे कोई भी धागे नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पे हमें इंटरलॉक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी। अब यहाँ पे देखिए आपका कुछ भी नहीं बचा, अब आपको यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया और फिटिंग की सिलाई भी लगा दी मैंने दोनों तरफ। अब देखिए हम आस्तीन को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स को रेडी करके रखा है। अगर आप इस तरह का पफ स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर इसको ट्राई कर सकते हैं। ये स्लीव्स बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे अटैच करूँगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए मैंने साइड की फ़िटिंग हो गई और मैंने प्लेट्स भी लगा ली, नीचे के साइड भी मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही इसमें सिलाई लगाई थी। अब यहाँ पे मैं इसको अटैच करूँगी। तो यहाँ पे देखिए आपको इसका सेंटर का पार्ट निकाल लेना है आस्तीन का, जो आपका सेंटर का निशान हो उसको आपको आर्महोल वाले एरिया के ऊपर रखना है और यहाँ पे आपको पिन से सिक्योर कर लेना है। यहाँ पे देखिए इसकी मैंने सेंटर पार्ट को जो हमारा शोल्डर का वो था निशान, मतलब जहाँ हमने शोल्डर का वो था वहाँ पर इसके ऊपर हमने रख दिया और यहाँ पर हम इसके ऊपर इसको पिन से सिक्योर कर लेना है। इसी तरह आपको पूरे पे से पिन से सिक्योर कर लेना है। तो देखिए इसका पफ कितना अच्छा बन के आया है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे पलट दूँगी। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह आपको पहले पूरे पे आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह आपका जो ये स्लीव्स है हमारी वो अटैच हो जाएगी। आप इस स्लीव्स को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है और आजकल काफ़ी चलन में भी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा ले रही हूँ। लटकन के वीडियो भी मेरे चैनल में अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह अपनी स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसे आगे की तरफ आपको दिखा रही हूँ, इसका लुक कितना प्यारा आया बनके। इस तरह से देखिए मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे स्लीव्स भी ज्वाइन कर ली, इसी तरह आपको दूसरी वाली स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेनी है। तो ये देखिए ये स्लीव्स बनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है, आप इसे किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों स्लाइस अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया। अब ये देखिए हमारा ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। यहाँ पे देखिए बिना किसी पफ के और यहाँ पे फोर टक्स के साथ मैंने इस ब्लाउज को सिंपली बिल्कुल बनाया है। तो ये देखिए ये पीछे का लुक है, ये इसका गला है। तो ये अगर आपको ये ब्लाउज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे पीछे का ये लुक है पूरा और ये हमारा ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे आपको आई हुक लगा लेना है। इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।